Hello everyone, good morning. Today we are going to start our next topic, role of traders and money lenders. Money lenders ka aur traders ka kya role hota hai? The tribals were largely self-sufficient. Jo tribals the, wo self-sufficient the. However, so for something, they had to depend on outsiders. कभी कभी उनको किसी चीज के लिए बाहरी लोगों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था. द ट्रेडर चार्ज वेरी हाई प्राइजेस फॉर द गुड्स दे सोल्ड टू द ट्राइबल्स. जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस चार्ज करते थे जो भी वो ट्राइबल्स को सेल करते थे. ऑल्सो द ट्राइबल्स ओपन हैड टू टेक शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम मनी लेंडर. और कभी कभी तो ट्राइबल्स को मनी लेंडर्स से शॉर्ट टर्म लोन भी लेना पड़ता था और वो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे क्योंकि वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे. इसीलिए ट्राइबल्स जो है वो डेट उधारी के चक्कर में पड़ जाते थे. दे कंसीडर्ड देम एज इविल इन्फ्लुएंसेस एंड रेजिस्टेड देयर प्रेजेंस अमोंग देम. उन्होंने इसीलिए उनको इविल इन्फ्लुएंसेस के नाम से कंसिडर कर लिया था और उनका जो प्रेजेंस था वो रेजिस्ट करते थे कि ये लोग हमारे बीच ना आए. ट्राइबल चीफ्स, द ट्राइबल चीफ लोस्ट देयर फॉर्मर इम्पोर्टेंस. जो ट्राइबल चीफ थे उन्होंने अपना पुराना इम्पोर्टेंस खो दिया था. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश दे एंजॉयड अ लॉट ऑफ पावर. ब्रिटिशर्स के आने के पहले इनका बहुत पावर हुआ करता था. अंडर द ब्रिटिश दे लॉस्ट ऑल देयर अथॉरिटी एंड बिकम मेरे एजेंट ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने अपनी सारी पावर खो दी थी और वो सब ब्रिटिशर्स के एजेंट बन गए थे. दे हैड टू अपीज देयर ब्रिटिश मास्टर एज वेल एज कंट्रोल देयर ओन पीपल. उनको अपने ब्रिटिश मास्टर को सारी बातें बतानी होती थी और साथ ही साथ अपने लोगों को भी कंट्रोल करना होता था. दे ऑल्सो हैड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश एंड पेगन ट्राइब्स. वो जो ब्रिटिशर्स ने लॉज कानून बनाए थे उनको वो भी फॉलो करना पड़ता था और उन लोगों को ट्राइब्यूट भी देना पड़ता था. दिस इन्फ्यूरेटेड द ट्राइबल्स और इसने ट्राइबल्स को इन्फ्यूरिएट कर दिया था. नाउ ट्राइबल रिवोल्ट्स इन ईस्टर्न इंडिया. अब ईस्टर्न इंडिया में किस तरीके से ट्राइबल्स का रिवोल्ट हुआ. वंस अपॉन अ टाइम द खान्स ऑक्यूपाइड अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी कॉल्ड खोनमाल्स नेबरिंग उड़ीसा. एक बार जो खोन्स थे वो लार्ज ट्रैक्ट या टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते थे खोनमाल्स में जो कि उड़ीसा के पास था. द रिवोल्टेड इन 1846 AD. इन्होंने 1846 AD में रिवोल्ट किया था और जो रिवोल्ट था वो 1848 में हुआ और फाइनली उन्होंने ब्रिटिश रूल को सबमिट कर दिया. द संथल्स इनहेबिटिंग द टेरिटरी ऑफ बिहार जॉइनिंग बंगाल रिवोल्टेड इन 1855-56. इन्होंने 1855-56 में बिहार की टेरिटरी में इनहेबिटेट किया संथल्स में. जो मेन ग्रीवियंसेस, जो सबसे मेन शिकायत थी वो क्या था? ऑपरेशन ऑफ द महाजन्स. महाजन्स का ऑपरेशन. The Santhals rose in revolt under the leadership of two brothers, Sidhu and Kanu. जो Santhals थे उनको leadership दो भाइयों के बीच में हुआ, Sidhu और Kanu के बीच. 1917 AD में Santhal against वापस उनको फोर्स किया गया लेबर बनने के लिए मयूर भंज में. जो सेम साल में जो रिवोल्ट हुआ था कुकीज में मणिपुर में वो दोनों सप्रेस था. 1870 AD में खरवार में रिबेलियन ने एक अच्छा खासा प्लेस बनाया. 1882 में कांचानगर में छाछर ने अपना साबुदान में एक लीडरशिप डेवलप किया. नाउ ट्राइबल रिवोल्ट्स इन सेंट्रल इंडिया. छोटा नागपुर. कैसे ट्राइबल सेंट्रल इंडिया में आए? छोटा नागपुर. द कोलारियन ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर वॉज रूल्ड बाय पेटी शेफ्टेन. जो कोलारियन ट्राइब था छोटा नागपुर में उन्होंने पेटी शेफ्टियन को रूल किया. वन ऑफ देम द राजा ऑफ ओराट रेजिस्टेड द ब्रिटिश वॉज फोर्स टू पे एन एनुअल ट्राइब्यूट ऑफ द ब्रिटिश. जो राजा था वहाँ का उन्होंने ब्रिटिश को रेजिस्ट कर दिया था लेकिन उनको फिर भी फोर्स किया गया कि वो ब्रिटिश को एनुअली ट्राइब्यूट पे करे. यट इज सब्जेक्ट द होस्ट डिड नॉट परमिट द ब्रिटिश टू एंटर द टेरिटरी. उसके बाद भी होस्ट ने उनको अलाउ नहीं किया ब्रिटिशर्स को कि उनकी टेरिटरी में एंटर कर सके. द सबमिटेड ओनली 1827 AD व्हेन द ब्रिटिश बर्न सेवरल ऑफ देयर विलेजेस एंड किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ देयर पीपल. उन्होंने 1827 AD में ब्रिटिश को
इन्होंने 1827 में इसको सबमिट किया जब ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारे गांव जला दिए और बहुत सारे लोगों को मार दिया। आफ्टर दिस मुंडा रिबेलियन, मुंडास अनदर ट्राइब इन छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में अनदर ट्राइब था जो 1831 AD में रिवोल्टेड थे और हैस को इन्होंने ज्वाइंट किया था। जो रिवोल्ट था वो लार्ज एरिया में स्प्रेड हुआ, जिसमें रांची, हजारीबाग, पलामाऊ, मनभूम ये सब इंक्लूडेड था। ये इट कुड बी सप्रेस्ड ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन इन मार्च 1832 AD। मार्च 1832 AD में इसका जो मिलिट्री था उसको ऑपरेट किस तरीके से किया गया, उसका लेवल बढ़ गया था। जो होस्ट था वो रिलक्टेंट था, जिसमें मिलिट्री ऑपरेशंस सबमिट किए जाते थे, और 1837 में ये फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया था। 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा जो थे उन्होंने साउथ रीजन जो था रांची का उसमें रिवोल्ट की, रांची का उसमें रिवोल्ट किया। जो मुंडास थे उन्होंने इंक्रोचमेंट मर्चेंट्स के थ्रू और मनी लेंडर्स के थ्रू नॉर्थ प्लेन्स में आए थे। जो आउटसाइडर्स थे उन्होंने लैंड को कैप्चर कर लिया था और इन लेबर को फोर्स किया था कि उस पर काम करें। कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू मुंडास को, और उनको एक लीगल पिटीशन भी सेंड कर दिया गया था। आफ्टर दिस बिरसा वॉज इम्प्रीजेंट इन 1875। बिरसा को इम्प्रीजेंट किया गया 1875 में, जब 2 साल के बाद वो रिलीज हुआ। ही इंस्टिगेटेड द पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उसने लोगों को इंकरेज किया कि ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़े, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, इन सब के अगेंस्ट। 1899 AD में जो चर्चेस थे मिशनरी के उनको अटैक किया गया बैरिसाइड्स के थ्रू, और 1900 AD में बैरिसाइड्स को हरा दिया गया। बिरसा वॉज कैप्चर्ड एंड इम्प्रीजेंट, और उसके बाद बिरसा को कैप्चर कर लिया गया और इम्प्रीजन कर दिया गया। बिरसा मुंडा जो थे वो प्रिजन में ही उनकी डेथ हो गई थी, और ये रिवोल्ट आगे बढ़ा। जो लैंड सेटलमेंट था वो 1902 से 10 तक अंडरटेक किया गया छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के अंडर 1908 में, जिसमें कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया गया लोकल एरिया के लोगों को, जहाँ पे इनको फोर्स किया गया था कि लेबर बन के रहे। दिस मच इज इनफ, वी विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।